It's a day two and we are all ready, all set to explore Leh today. So this is our car. We have booked such a nice car क्योंकि हमें hippie look चाहिए था और हम इस पर ऐसा तो बड़ी सी sexy सी van है. तो ये जब mountains से van जाती है ना तो अलग look आता है. Car बहुत sexy car सब लोग use करते हैं तो हम लोगों ने ये car choose की है और ये car हम लोगों के साथ अगले 5 दिन रहने वाली है क्योंकि 2 दिन हम लोग अभी बाइक से ट्रिप करेंगे. तो अभी हम जो निकल रहे हैं ये तुषार है, तुषार भी रेडी हो गया है. सुमित गुप्ता एज ऑलवेज लेट है, उसका पता नहीं चल गया क्या नहीं चल रहा है. तो वी आर स्टिल वेटिंग कि वो आए और हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करें. ये व्यू देख रहे हो क्या सेक्सी व्यू है, isn't it? मजा आ गया. और अभी हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्रीज. तीन बॉर्डर है, द्रास से और ये सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर तो उसके नुब्रा से आगे है. तुर्तुक हो गया, तुर्तुक वही बॉर्डर और पैंगोंग लेक. चौथा टोटल 4 बॉर्डर ले से सराउंडेड है. ओके कूल. यहाँ हमारा ये लद्दाख का बॉर्डर में कोई हरकत नहीं होता. जो मिल नहीं होता वो जम्मू कश्मीर वाले हरकत में होता है. सब पैसे ही पैसा. This is the beautiful way to Hemis Monastery. It's 2 kilometers now and GoPro से भी visible नहीं होगा मगर वो किनारे जो मेरी उंगली देख रहे हो ना उस side में अभी धीरे धीरे आएगा. मगर what an incredible view. See this. Wow. ये नरोरा फेस्टिवल कैसा होता है? अच्छा नरोपा फेस्टिवल जिसमें आप जो हिमिस मेला होता है जो ऊपर मुखौटा पहन के जो डांस करते हैं वो ढूंढते हैं वही वाला है. अच्छा सितंबर में होता है. और अब हेमिस मोनेस्ट्री देखते हैं कैसी है. बाहर से तो बहुत सुंदर है यार. Thank you.
so peaceful, so serene inside the monastery you just saw, isn't it? And the statue of Lord Buddha, wow man, it's so beautiful. It's a nice place. And now, and we are done with exploring Hemis Monastery. It's one of the most beautiful monastery, and now we are heading to Thiksen Monastery. I have reached Thiksen Monastery, and that is the monastery view. And now let's go inside Thiksen Monastery and see how beautiful this monastery is. And अभी ऐसा क्या है कि हम इतनी जगह पे रुक रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे निकले थे, 3 बज रहे हैं अभी, सिर्फ हमने Hemis Monastery कवर की है, अभी Thiksen पे जा रहे हैं. तो देखो आज पूरा भी तो कवर किया है. स्तकना तो हम लोगों ने दूर से कवर किया ना, मतलब ड्रोन शॉट ही, बस लिए अंदर नहीं गए हैं. तो अभी Thiksen के अंदर जा रहे हैं और अब देखो क्या क्या कवर कर पाते हैं, कि कुछ कवर पाता है, इसके बाद क्या होता है. सो एक क्विक अपडेट, अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मतलब लिटरली ये ट्राईपॉड और ये इसने लगाया था, गिम्बल लगाया था, गिम्बल शेक हो रहा था, और मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, ड्रोन ऐसे 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 ऐसे, मेरी तो ऐसे लगे कि उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं. देन 10 मिनट वेट किया एंड फिर हवा कम हुई, देन ये एपिक ड्रोन शॉट.
जो अभी आप जस्ट देखोगे वो मैंने लिया है। एंजॉय करो। So this was the statue of Maitri Buddha, and it said that the future god of Buddhism is Maitri Buddha, but the time frame is not known. When he will arrive, when the god will arrive is not known. I asked the monk that what is the time period. He was saying no one knows when there will be an incarnation of Buddha known as Maitri Buddha. So we are done with exploring of Thiksum Monastery. It's a beautiful monastery. I liked. और सबसे अच्छी बात यह है कि the climate is very good now. It's not too hot and neither too cold. But थोड़ा सा windy है, but that's okay. That's how Ladakh is, unpredictable weather. And now we are moving ahead with our exploration. And we also don't know where we will go. Our cab driver knows. He is the person who is deciding when and where to go. So let's ask him, go down and ask him where he's taking next. So finally I reached Shanti Stupa, and this is the fourth place of day 2 and probably the last place that we'll be visiting, and after that we'll go home and take rest, because from tomorrow the real Ladakh journey starts and it's gonna be incredible. तो अभी मैं क्या करता हूँ, आइडिया ये है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और शांति स्टूपा का स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ टाइम लैप्स लगाता हूँ, और अभी सनसेट तो बहुत टाइम है, देखते हैं सनसेट तक टाइम लैप्स लगा सकते हैं नहीं, मगर ऊपर क्लाउड्स हैं तो आई होप सो कि टाइम लैप्स बहुत अच्छा आएगा।